फिर रहता है। पुलिस, मुझे मार देंगे वो। पुलिस ने मुझ पे गोली चलाई है। वो क्या बम फेंकेंगे? तुम्हारी इस आवाज के कारण मैं कितनी परेशान होती हूँ पता है? वो बच्ची वहाँ सो रही है, दया करके चीखना बंद करो। उसे स्कूल भेजना है और फिर कभी उसे बाहर लेकर जाकर कुछ खिलाना पिलाना है। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए हैं क्या? नहीं ना, कभी पुलिस कभी गोली, इसी तरह बड़बड़ाना। मेरी तो किस्मत ही खोटी है। कितने बार मैंने तुमसे कहा है, ये सारे कर्ज और केस के खत्म होते ही हमारी बिटिया को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। तुम्हारी कसम बोल रहा हूँ मैं। 1.5 करोड़ रुपए, इतने ही कर्ज है मेरे। इन कर्जों को चुकाकर अपनी बिटिया की जिंदगी को सवार दूंगा मैं, तुम भी देखना। पानी पियो। रोज तो पिलाते हो ना, बड़ा आया पति देव। हेलो हेलो, हाँ सुबह सुबह तुम लोगों ने शुरू कर दी, अब ये सब कब खत्म करोगे? खा पी के कमरे को इन्होंने नरक चौदस बना दिया है और सफाई के लिए रहा ये बेचारा सामी। बहुत दिनों से घर में चावल वगैरह कुछ भी नहीं है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। इन्हें केवल टंकी भर ठर्रा चाहिए गटकने को। सुजीत, तुमने एक बार ने कई बार समझाया है कि खाने के पैसों से कभी दारू मत खरीदना। भूख लगी है कहकर तुम कभी मेरे पास मत आ जाना। तुम्हें रोटी मिले या फिर ना मिले, सही वक्त पर दारू मिल रही है ना। सनम, क्या है? इस तरह टेररिज्म मत फैलाओ। अगर ऐसी बात है तो हमारी पगार देके हमें आगे भेज दो। जोरू को देखे हुए 2 साल हो गए। जिस रितु को मैंने दिलो जान से प्यार किया, वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर। अगर किसी खंबे को साड़ी पहना दो तो तुम उसके पीछे भी भागोगे। सनल, अगर इस तरह की बात करोगे तो हमें भी मुंह खोलना पड़ेगा। बस करो भाई, ये लो इन पैसों से तुम लोग अपने लिए राशन पानी खरीद लेना। साबुन और पेस्ट भी खत्म हो गए। एक बोतल दारू लेके सर पे लगाओ, बाल साफ हो जाएंगे। विजय चाचा, मेरे साथ चलो, इस जरूरी काम से जाना है। अरे थोड़ी सी दारू है ना। ये क्या, फटाफट पैन पहन के। अरे अरे वो ठर्रा की झील में डुबकी लगाते हुए कीड़े कमबख्त मरते भी नहीं कहीं जाके। कुछ नहीं होने वाला और पैसे भी नहीं मिलने वाले, और सोने के ब्याज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे ब्याज कितने भी चुकाओ लेकिन खत्म नहीं होगा। सब लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ तक आप भी। मैं केजरीवाल नहीं, उसी दिन पैसे मिलते ही चले गए होते। जो जरा हमारी हालत के बारे सोचो। कैसी हालत? इस मामले में तुम लोग सोनी से कम नहीं हो। अरे वाह बेटा, रुको, कहाँ जा रहे हो? हाय, रुक जा। कम ऑन कम ऑन। हाय, शॉपिंग करके आ रहे हो? जी हाँ, थोड़ा सामान लेने गया था। अच्छा, कल तुम अपने कंपनी के ड्राइवर सुजीत को मेरे पास भेज देना। ओमान तक जाना है, लॉन्ग ड्राइव, वो भी इतनी दूर तक जाना मेरे बस की बात नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं उसे बोल देता हूँ। अच्छा। ये लो, इसमें तुम्हारी पसंद की चिकन है, जरा पेपर ज्यादा डालो। पेपर ज्यादा डाल दिया तो फिर दूसरा नहीं खाएगा ना। तुम्हें अपनी बेटी की थोड़ी भी फिक्र है? बहुत स्वार्थी हो, आई नो यू। शुरू हो गई कल्याणी खामखा, किस लिए मेरा दिमाग खराब कर रही हो तुम? पता नहीं क्या हो गया। Thank you.
रिमोट कहाँ है? Maximum exposure. Economy has improved. Expert views and critical business information. Keep it on the ship. It's your squawk box. Rich and rich. Sexy, classy. पापा इसे खोल के देना। अब बेटी मम्मी के पास जाओ जाओ जाओ। माँ इसे खोल के देना। मीनू तंग मत करो, जाओ यहाँ से। Gonna try and do this as long as I can. Acting's kind of come up. ये गाना पसंद है तुम्हें? इसकी कोई कमी नहीं। ये क्या कल्याणी, किस लिए दूर दूर भाग रही हो? अच्छे वक्त पे आई हो। क्या वक्त तो अच्छा ही है। चलो छोड़ो, मुझे खाना बनाने दो। अरे रूठो मत कल्याणी। हे चिकन बना रही हो? मटन। तो फिर चिकन कहाँ गई? हाँ बोलो। हेलो किशोर भैया। नहीं किशोर भैया कुछ नहीं हुआ, 1-2 रुपये नहीं ना। हाँ अभी देती हूँ। सनल किशोर भैया हैं, उन्हें तुमसे बात करनी है। कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात उसने तुमसे कर ली ना, फिर मुझसे क्या करनी है? प्लीज बात करो ना। हाँ हेलो, मेरी प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करनी है ना कि आपको। यहाँ की प्रॉब्लम मैं ही सुलझा दूंगा, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। और फिर इस मामले में ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश मत करना तुम। हेलो बना लो, सबको दुश्मन बना लो। अब कौन है बोलो? आफत में मदद करने वाले थे वो, उससे भी दुश्मनी मोड़ ली। उन्हें क्या पड़ी है मदद करने की? मेरे भाई होने के नाते उन्होंने मदद की, ये मत भूलो तुम। तुम्हारी अपनी बेटी यहाँ पासपोर्ट के बिना यहाँ रह रही है, वो उनकी नहीं तुम्हारी संतान है। क्या सबूत है? हम दोनों को मार के तुम भी मर जाओ। भूख सहलेगी लेकिन कोई भी औरत ये बात नहीं सह पाएगी। हेलो तुम कैंप में ही हो ना? कुछ नहीं यार, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे सोनी। अरे मेरे भाई सनल कहाँ भाग रहे हो? तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अरे तुम्हारा घर मुझे पता है। कल्याणी बहन के हाथ से खाना खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, वो दिन कब आएगा पता नहीं। हाँ अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे पैसे कहाँ हैं? हैं? ओ सोनी 2 दिन के अंदर चुका दूंगा। घर में भी कुछ नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है हाथ में, ब्याज जल्द चुका दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे। तुम जैसा हारा हुआ बिजनेसमैन जिसके ऊपर कई केस दर्ज हैं, उसके बाद भी तुम जैसे दिवालियों को मैंने कर्ज देकर तुम्हारी मदद की, समझे? इसलिए कि तुम मेरे गांव से हो। और रही कल्याणी की बात,
वो तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। उसे गिरवी रख के पैसे तो कमा सकते हो। प्लीज फैमिली के बारे में कुछ गलत मत बोलो, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। मैं पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलता, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चुप रहूंगा। सोनी फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मैं वहां आता हूँ। फिलहाल तो जाता हूँ। वैसे एटीएम से कुछ पैसे निकालकर पॉकेट में रख रहे थे ना तुम, ये मुझे चाहिए। फिलहाल इससे मैं काम चला लूंगा। बाय सनल भैया। ओह जीसस। अरे अरे वो मेरी दारू पीने दो ना। अरे उसे पी के खत्म मत करो, नहीं है दारू। अरे मेरे विजय भाई, जिसने हमें पैदा किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। जब देखो कुछ ना कुछ बोलता है। कौन है? अरे सनल होगा, फोन करके बोला कि यहाँ आएगा वो। हाँ? अरे सुनो, क्या तुम जाके उसे बुला के लाओ। ठीक है देखता हूँ। हाँ? जल्दी बंद करो। हाँ? उस एडवोकेट से अपनी जान बचाकर आ रहा हूं मैं। हाँ? क्या हुआ? से खुशबू आ रही है। मछली तल रहे हो? कुछ नहीं तल रहा है। आज मैं भी मछली खा के ही जाऊंगा। रम है या ब्रांडी? अरे कुछ भी देखे, अरे रात के रखी है और छोड़ो। हमें एक भी नहीं मिलेगा, ये पूरा खत्म कर देगा। अच्छा तुम्हें भी ये बुरी लत लग गई? तीखी चीजें खा खा कर ये लोग पागल हो गए हैं। सुबह लेटरिन जाते वक्त बहुत जलन होती है भाई। इस दुबई में रहकर मिल्ट्री रम पीने वाला मैं एक ही है और कुत्तों को भी बुलाता हूँ। कुत्ता तू अपने बाप को बोलो। अरे तू कुत्ता नहीं सुअर है। ओ बकवास बंद कर। क्या देख रहे हो, खाना बना रहे? जरा तुम बाथरूम जाकर देख कर आओ। अरे वाह, बाथरूम की सफाई करो। क्या बना कर रखा जरा देखो। ये आदमी पागल है। अरे डेली 3 अंडरवियर धोता है ये पंडित जी, लेकिन हम लोग तो एक महीने में एक ही अंडरवियर धोता है भाई। अरे कौन है, कौन है? ओनो कल्याणी का फोन है, बेचारी बुला रही है मुझे। अरे वो तो नारी है, बेचारी कब बन गई। मैं चला। अरे खर्च के लिए पैसे देना। मेरे पास नहीं है। सुजीत को आने दो, उसके पास माया का दिया हुआ कुछ पैसे तो होंगे, उसमें से तुम कुछ ले लेना। मैं उसको भेजता हूँ जल्दी। ओके तुम लोग पी लेना। हम लोग कैसे पियेंगे, दारू की बोतल खरीद के रखी है क्या? थोड़े बहुत वो भी पी ले, कैसे भरेगा? टैंकर आएगा भर लेना। खाए पेट भर लूंगा। जल बिन मछली, नृत्य बिन मछली। ये लोग रोज रोज नई गाड़ी में जाते हैं और हम उसी खटारे में जाते हैं। मिडिया सो गई, सुला दिया ना। मेरी लाडली। मेरी सो गई। तुम मुझसे खफा हो क्या? कहो ना। प्यार व्यार छोड़ो, जाओ यहाँ से। सॉरी उस मूड में जानबूझ के नहीं, अनजाने में बोल दिया। खैर छोड़ो, 100 times सॉरी, जरा माफ कर दो ना। सब कुछ करने के बाद बस सॉरी बोलते हो। तुम्हारे पास दारू के लिए पैसे हैं, बस मेरे लिए और बच्चे के लिए पैसे नहीं हैं। बोलो बेटी, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ क्या कमी रखी है? बोलो, इस बाबा में क्या कमी है? हैं? बोलो,
तुम कमियों के पुतले हो, बस कमियां ही कमियां। तसल्ली हो गई, मतलब पड़ोसन की तरह तू इधर उधर नहीं भागेगी। पड़ोसन माया है ना, वो बड़ी चालू टाइप की है। ओ, बहुत बड़ी खोज की है तुमने। सबसे पहले अपने बारे में सोचो। आराम रखने की तो जरूरत ही नहीं थी, सही समय पर चिल्लाकर जगा देता है। दिमाग खराब कर दिया इस पागल ने। अगर वो उठा के ले गया होता तो पता चलता, इस तरह पेश नहीं आती। कल लो, क्या है, किससे बात कर रही थी? क्यों पूछ रहे हो? यही कि जब मैं बाथरूम में था ना, किसी की आवाज सुनी मैंने। वो माया देवी थी। माया? इतने सवेरे क्या बात हो गई? चाय पत्ती खत्म हो गई। ये क्या है? चाय पत्ती नहीं है, वरना हम चाय बना लेते हैं ना। ओके, चाय पत्ती आते ही बुला लूंगी। हाँ, अच्छा मैं जाके व्यायाम करूँ? हाँ जाइए। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। बापरे, अरे तुम हो? किस तरह परेशानी में भी तुम गाना गाते हो। कल्लू ने कुछ नहीं बताया। गाना गा के ही मैंने उसे फंसाया था। हमारे घर में वैसे सब गाते हैं, डैडी भी गाते हैं, तुम गाती हो क्या? नहीं, अक्सर गाना गाया करो ना। परेशानियों के बीच किस तरह तुम गाना गाते हुए टेंशन बिना ही घूम रहे हो, यही पूछ रही थी मैं बेटी। नीचे जितने भी दुकानदार हैं ना, लड़कियां उनसे उधार मांगे तो कोई बात नहीं, हम अगर उधार मांगेंगे तो नहीं देंगे। तुम जाके जरूरत की चीजें लेकर आना वहाँ से। मुझसे नहीं होगा, पिछली बार जो चीजें ली थी उसके भी पैसे नहीं दिए हैं। वो हाँ मैं देख लूंगा। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है, क्या घूर रही है। अरे हाँ सनल, तुम्हारे दिए हुए चेक को बाउंस होके 2 हफ्ते हो गए, उस बात को छोड़ दो। अगस्त में करंट का अगस्त में करंट और वाटर का बिल तूने भरा नहीं, सिर्फ तुम ही इस फ्लैट में ऐसे आदमी हो। 2 दिन पहले ही करंट और वाटर को कट करने बोला था, ऊपर से तुम इंडियन हो। तुम्हारी हालत देख के मुझे तरस आ गई, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मगर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई, मेरी नौकरी चले जाएगी। 3-4 दिन की मोहलत दो मुझे, कई साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं ना, मैं भी दूसरों की तरह सही वक्त पर दे रहा था ना। ये सब मुझसे मत बोलो, ये तुम ऑफिस में जाके बोलो। तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हारी तरह बाल बच्चों को भूखा छोड़कर नहीं जा सकता। जबान को लगाम दो। ए, क्या है? ये तुम्हारी जागीर तो नहीं है ना? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फ्लैट में रहने वालों को गाली देने का हक किसने दिया तुम्हें, मैं जान के ही रहूंगा। चल फुट बे यहाँ से, तू मुझे कानून सिखा रहा है? फुट बे। कमीना कुत्ता। कभी ना खत्म होने वाली परेशानियाँ। केस की कोई कमी नहीं है, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फ्लैट के मालिक ने भी केस दर्ज कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आखिर इस तरह कब तक छुपते रहोगे? अगर हम भी पकड़े गए तो क्या करोगे? तुम लोगों को मैंने उसी दिन कहा था कि तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें गाँव आके दे दूंगा, लेकिन तुम लोग माने तब ना, तुम लोग गए नहीं और इल्जाम मुझ पे थोप रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहे, आखिर कब तक इंतजार करेंगे, हमें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे लगता है कि खाली के देश में हम लोगों को घुट घुट कर मरना ही पड़ेगा।
हाँ वही समझो, तो क्या हुआ? तो हमें घुट घुट कर मरने के लिए तुम यहाँ छोड़ के जा रहे हो? जरा हमारी फैमिली के बारे में सोचो ना। तो तुम लोगों का ख्याल कौन रखे भाई? छोड़ो, चलो। अच्छा कहाँ जा रहे हो भाई? आओ ना, बहुत दिनों से झेल रहा हूँ तुम लोगों को। अरे आगे चढ़ोगे तो क्या जल्दी उतरो? मैं आगे से चढ़ता हूँ। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपसे नहीं मिल सके इसलिए वो बहुत गुस्से में है, और फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम वहाँ आ जाएंगे और फिर हमेशा आपके पास ही रहेंगे। मीनू, दर्द हो रहा है। कौन है? मीनू बिटिया, जरा बुलाओ उसे। बेटी यहाँ आओ, तुम्हारे दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। जल्दी आओ ना बेटी। मीनू बेटे। आओ मारी दीदी, मेरे ससुर जी हैं। अच्छा, कहीं है पड़ोस के बाजू वाली लड़की तो नहीं? हाँ ठीक है, फोन रख दो। सनल से बात करके बहुत दिन हो गए, उससे कहना मुझे फोन करने के लिए। हर महीने वो अपना नंबर बदलता रहता है, मैं उसे कैसे कॉल करूं? ठीक है बेटे। ठीक है बाबूजी। सनल के डैडी घर में अकेले हैं क्या? उनकी देखभाल के लिए होम नर्स को रखा है वहाँ पर। बाबूजी हमें देखना चाहते हैं, और उनका इकलौता बेटा है मेरे पति सनल। सनल वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बाबूजी को यहाँ पर लाएंगे, ऐसा बोलते रहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बाबूजी को पता नहीं है। तुम्हारी सास मर गई फिर भी तुम लोग जा नहीं पाए, इस बार कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, उन्होंने बिटिया को देखा तक नहीं इसीलिए बोल रही थी मैं। ओह वो सब छोड़ो कल्याणी, आज खाने में क्या स्पेशल है? वो मीनू यहाँ हो ना? नहीं। सुनो मीनू, आंटी तुम्हें बुला रही है ना? यहाँ आती हूँ तो मुझे चैन मिलता है। दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरी और कोई सहेली भी नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा सारा दुख दूर हो जाता है दीदी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं तो कहीं नौकरी कर रही होती। उनका फोन है। ओके कल्याणी, मैं चलती हूँ, लंच ब्रेक होगा इसलिए कॉल किया है। मैंने क्यों कट किया? तुम्हें समझना चाहिए, मैं कल्याणी के पास थी। पहचाना नहीं उसने तुम्हें, लेकिन मैं घबरा गई थी। अच्छा सुजीत का ऐसा कौन सा दोस्त है यहाँ? आजकल वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। एक तो वीजा पासपोर्ट हाथ में नहीं है, अगर किसी लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की तो उसका सर धड़ से अलग कर देगा, जानते हो ना? हाँ, वो वहां से इसलिए गायब हुआ कि सोनी के गोडाउन तक पहुंच पाए। सोनी ने उसे फंसा कर रखा हुआ है, अक्सर फोन भी करता है और बाटली भी खरीद के देता है। तो ये बात है, दाल में कुछ काला जरूर है। अक्सर दारू खरीद कर देना, सलाला जाना यहाँ से पैसे कलेक्ट करने के लिए और गुंडागर्दी करने के लिए सोनी भाई उससे बेचता है, सुना मैंने। और उसकी थोड़ी बहुत कमाई तो होती है, कम से कम वो पैसा तो बना रहा है ना। हमारी तरह उल्लू बन के घूम तो नहीं रहा ना? तो फिर एक काम कर, जाके ढाका डाल, नहीं तो किसी लड़की का दल्ला बन जाओ। अरे क्या बोल रहे हो? बहुत हो गया। अरे मोहन, ये क्या बात के लिए क्यों लड़ रहे हो? क्या उखाड़ेगा? चलो इधर तुम। स्वामी जी, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? चाहे कुछ भी हो उस पर हमें नजर रखनी होगी। अगर कहीं से दो पैसे मिल रहे हैं तो मिलने दो, ये सोचकर मैं भी चुप रहा। अब जाकर पता चला कि वो तो एक नंबर का फ्रॉड है। आओ चलो जाके गाड़ी में बैठो। आज आगे नहीं पीछे बैठेगा तुम। और मैं पीछे बैठ जाओ। आगे से चढ़ू क्या? अरे वो क्या, ये मिलने की मेरी परमानेंट सीट है। मैं चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम अरबाब। वालेकुम सलाम। What do you want? I'm all right. Where is the rent? I need some more time अरबाब। No, I'll give you 2 more days. Otherwise I'm going to call the police, okay? Listen अरबाब। No, don't waste my time. Go. मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। Don't you understand? Go. Just leave. कुछ दिन की मोहलत मिल गई। See you. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अगर उर पावे। अरे सनल, सनल, अरे रुक। अरे जल्दी, अरे पागल, किस बूढ़े को दौड़ा रहे हो तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया, कब? तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते क्या? और उठाते भी हो तो कहते हो सर मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। खाक मीटिंग,
अरे उल्लू मत बनाओ सनल, मजाक छोड़ो, ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये अरब कंट्री है। अरे अरे रुको, भाग रहा है, अरे कहाँ भाग रहा है, रुको, कहाँ गया ये? अरे कहाँ भाग रहा है, रुक रुक, अरे पकड़ ले, रुक गया, कहाँ भाग रहा है? खुद को पुलिस के हवाले कर दो, जेल जाओगे तो सारे केस से बरी हो जाओगे। अच्छा, इस देश का कानून ही कुछ ऐसा है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, कल सुबह मैं आपके ऑफिस में हाजिर हो जाऊंगा। अरे सनल, तेरे जैसे कईयों को देखा मैंने। वकील साहब, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे तुम्हारे ऊपर 10-15 केस तो दर्ज है, विजय माल्या समझ रहे हो? 420 का तो केस है, खून का तो नहीं। देख, इससे बेहतर है कि 2-3 खून करके आराम से घूमते रहना। तुम्हारे परिवार की हालत से वाकिफ हूँ मैं। और हाँ, अगले महीने की 1 तारीख को तुम उन मजदूरों को यहाँ से भेजने का बंदोबस्त कर दो, और कल तक मुझे मेरे पैसे मिल जाना चाहिए। हाँ, अच्छा तुम्हारे डैडी कैसे हैं? जब भी बेचारा वो फोन करता है तो चोरों की तरह मैं फोन कट करता हूँ। उन्हें मैं किस तरह समझाऊंगा, उन्होंने तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला है। एक और बात, कल सुबह 9 बजे तुम मेरे ऑफिस आ जाना, पैसों के साथ, भूलना मत, सुन लिया ना? मुफ्त में नसीहत देके चले जाते हैं, उसके बदले कुछ पैसे दे दिए होते। यहाँ तो सिर्फ नसीहत देने वाले होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा कि चाहे किसी भी जरिए से पैसे कमा लो, पैसे में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं, और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार्केट का पैसा, यहाँ तक आप लोगों से भी, मार्केट से छोटे ब्याज में लेकर 10-15% देकर मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ। यहाँ तक तुम लोगों को भी ब्लैंक चेक दिया है, ये तुम लोग नहीं भूलना। देखिए, हमें 6% देके आप 20% लेते हैं ना, सुनिए 1% दीजिए। पटेल, मैं तुम्हें 8% भी दे सकता हूँ, यूँ मैंने मजाक किया, आप बहुत अच्छे हैं। वो जो मैथ्यू साहब है ना, वो बहुत ही खतरनाक हैं। खतरों से मैं खेलता हूँ, क्योंकि खतरों से खेलना मेरी आदत जो है, तो खतरों से खेलने वाले को अच्छी आमदनी तो होनी चाहिए ना, है ना? सुजीत, तुम चलो मेरे साथ। अच्छा, अरे यार सुजीत, जरा उसका फ्लैट तो दिखाओ ना। दिखा देता हूँ यार। ए सनी भाई, इस पे विश्वास मत करना, इसने मुझसे भी वादा किया था लेकिन वादा निभाया नहीं इसने। सनल की पत्नी कल्याणी और फिर अकाउंटेंट स्वामी को उठवाने का वादा किया था इसने, लेकिन गोविंदा। अरे क्या हो गया, तुम्हारे हाथ में जो अरबपति लौंडा है ना, कमीशन का मामला है यार सुजीत। सोनी भाई, हाँ जरा आप उनको भी साथ में ले लो। कल दोपहर तक देखूंगा, उसके बाद बिजली कट करवा दूंगा, और फिर परसों पूरा पैसा नहीं मिला तो बोरिया बिस्तर लेकर बाहर चले जाना। और सुनो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पहले इस लिफ्ट की फोन तो ठीक करना, तुम बातें करता लगता है ये मुझसे मार खाए बिना नहीं जाएगा। किराए के लिए क्या सोचा है तुमने? आज क्या करिए, जोरों की भूख लगी है, खा के नहा लूंगा। सुना नहीं तुमने किराया का पैसा मिला कि नहीं? वो नाथुर आया था, कह रहा था कि 2 दिन में अगर किराया नहीं दिया तो हम पर केस ठोक देगा। परसों ही केस, वो मुझसे खेल रहा है जिसके ऊपर 18 केस दर्ज जो है। सुनो, एक नया केस बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। सनल मजाक मत करो, करंट और पानी कट किया तो हम लोग कहां जाएंगे? ए, ऐसा कुछ नहीं, जानती हो आदम और हव्वा बहुत बरसों तक इन सब के बिना मानव के रूप में जीवन बिताया, हम लोग उनके समान जीवन नहीं बिताएंगे। अजी, हम जीने वाले नहीं हैं, सामूहिक आत्महत्या करेंगे। बेटी की भी फिक्र नहीं है सिर्फ। बिजली कट करने के खातिर आत्महत्या करने वाली सर्वप्रथम महिला मेरी पत्नी ही होगी। बेटे, हम लोग आज घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। देखो, उस छोटी बच्ची के मन में आशा के फूल मत खिलाओ तुम। देखो, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सीरियल देख रही हो, कम्प्लीटली बदल गई हो तुम। कलो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ।
सीरियसली कह रहा हूं, तुम पैकिंग करो। कुछ दिन के लिए हम लोग यहां से कहीं दूर चले जाते हैं। सुबह सिक्योरिटी के जागने से पहले भागना होगा। जाओ जाओ ना, जाओ भी, इन आंखों से घूरना मत, फिर मैं मधोशो के न जाने क्या क्या बकने लगूंगा। हाँ विजय भाई, हम लोग दो दिन यहाँ नहीं होंगे, घूमने जा रहे हैं। डैडी यहाँ तो पहाड़ है। मैं तुम्हें बीच लेके जाऊंगा किसी और दिन। ओके बेटी, अब तो खुश हो ना। डैडी वही घर है, क्यों ना हम वहाँ तक पैदल चलते हैं। जगह देखकर मुझे डर लग रहा है। अरे कितना मजा आ रहा है, इन पर्वतों के आसपास सिर्फ हम ही हैं। अरे असलम भाई, भाई असलम भाई, चेन है, इसे बेचकर किराया भर दो तुम। ये चेन दो दिन पहले ही दी होती तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। जरूरत के वक्त कोई नहीं देता है, जब कोई मरने के कगार पे होता है तो फट से मदद करने के लिए आते हैं। बकवास बंद करो, ध्यान से सुनो, इस मंगलसूत्र के अलावा और कुछ नहीं है। कल सुबह ही होकर आओ तुम, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। कल नाश्ते के बाद मैं निकलता हूँ, दुनिया के किसी भी होटल में जाके खाओ, तुम्हारी कुकिंग के सामने वेस्ट है सब। अगर ग्लास के बिजनेस के बदले तुमसे नसीहत लेकर अगर मैं तुम्हें ही कुक बनाकर अच्छा होटल खोलता। मुझे तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, खाना खाने के बाद तुम चले जाना, ठीक है? पहले मैं इस घड़ी को ठीक करना चाहूंगा। क्या हुआ? मेरा टाइम ही कुछ खराब है। हेलो सनल, मैं सानी बोल रहा हूँ, फटाफट तुम हमारे पास आ जाओ। मामला क्या बताओ? बहुत जरूरी बात है, कहा ना जल्दी आ जाओ, हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हाँ अभी आता हूँ मैं। असली डॉलर वो लोग इसके हाथ से लेकर भागे, गलती इसी की है। अब रोने से कोई फायदा नहीं, अब हम सब लोग जेल में बैठ के चक्की पीसेंगे। ओ माय गॉड, सब अंदर हो जाएंगे तो ही इसे खुशी मिलेगी। ये और वो सोनी, देख मामला गंभीर है, तूने बिजनेस में पैसे डुबाए, ऐसा मामला नहीं है ये। शिट, स्मगलिंग है स्मगलिंग, आजीवन जेल में सलाखें गिनते रहेंगे हम लोग। इसके पीछे इसका और सोनी का ही हाथ है, हरामखोर बेटा, से गुड़ी खाने नहीं है, तुझे पता है ना? मैंने सोनी के साथ मिलकर किसी को धोखा नहीं दिया, हाथ में पैसे भी नहीं थे। तुम खामखा इल्जाम लगा रहे हो,
गांव जाना तो दुश्वार हो गया। गांव जाके क्या उखाड़े हो तू? तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी तो मैं। अरे तुम चुप रहो, दिमाग से काम लो, मेरी बात सुनो। किसी ना किसी तरह से इनके पैसे कैसे सेटल करूं? जो होना था वो हो गया। आप बहुत भूल जाइए, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Take this bag and get my cash back. It's not mine. Ye mera bag nahi hai. This is not my bloody bag. No, you are the boss. Give me back my money or else I'll shoot you. You might. I have no money, please. Bas kyun le rahe ho? Oh God. Arey haath mein dambook hai. This is not enough. Please try to understand. I need more money, okay? I have no money at all. And if you don't give me back my money, I'll kill you. I swear I'm not joking. Meri car ki chavi. Meri car ki chavi. Where's my money? Give it back to me. My car. Take your bag. Your car, your engine, everything's finished. Go find it in the scrapyard. Let's go. अब तो खुश है ना तू? देखा किस तरह घूर रहा है यार? आज इसकी चाल देख रहा हूँ। हमें बिजली और पानी की जरूरत नहीं है, हम किशोर भैया से पैसे मंगवाते हैं। आओ आओ, कम से कम मेरी बात तो माना करो। आओ। सीन देखी जो पैसा मिला, आज उन पैसों को सुजीत के कारण मुझे गवाना पड़ा, पता है? क्या करूं मैं? चलो हम लोग। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? प्लीज वहाँ, प्लीज आओ आओ बेटी। कल्याणी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। चाहती ठीक है, हाँ ओके। किसका फोन है? हाँ हैं, हेलो, एक सेकेंड। हेलो, ये लीजिए रिसीप्ट। टिल डेट तक भुगतान किया मैंने, कम से कम अब तो अच्छी तरह जीने की कोशिश करो। तुम जाओ यहाँ से। हाँ बोलिए। यहाँ फैसला करने वाला कौन है? इसका भुगतान किसने किया? ओ समझ गया, तुम्हारा वो किशोर होगा। तूने मेरी चेन और बिटिया की चेन को बेचकर किसी और को दिया। मुझे गाली देना बंद करके उस कमीनी से पैसे लेकर आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मर्द कहता है खुद को। जब से कंगाल बनाओ तब से देख रहा हूँ मैं, तुम बदल गई हो। अगर मैं यहाँ रुका तो वो सब देखना पड़ेगा जो नहीं देखना चाहता। मेरा बिजनेस, मेरे सपने, सब कुछ तुमने चकनाचूर कर दिया। अब क्या उखाड़ेगा तू? यार सनल बैठो ना, मैं बाराती बन के नहीं आया यहाँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन याद रखना तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जख्मी शेर हूं मैं, उसने मेरी मर्दानगी को चुनौती दी है, पता है? ये उन सब केसों से अहम है मेरे लिए। तेरा खून करके मैं जेल में जिंदगी गुजार लूंगा। कल जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा और सुजीत का ही हाथ है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं हरामखोर पे। सही कहा, काफी अकलमंद हो, मगर तुम्हारा ये गुस्सा तुमको ले डूबेगा, वरना तुम यहाँ आके मुझे चुनौती देके खुशी से यहाँ नहीं जी पाओगे। अपने आप को बचाने के लिए मुझे मारना होगा तुमको, नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहीं टपका दूंगा। हरामखोर, मुझसे मत भिड़ना तू।
तो फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। Where is Sanal? We are from the police department. Call him fast. Sanal? Kya hai? Sanal? Haan? Kaun hai? Sanal. Wo? Come. Tum Sanal, come. Karo, tum andar jao. Just come. Mujhe kuch nahi hoga. Meri baat mano, mujhe kuch nahi hoga. Sanal? One minute, sir. Kahan le ja rahe? Please, one minute, sir. Sir, please. Sanal? Try to understand me, please. Kalyani, meri baat suno, tum andar jao. Just come. Sir, please, one minute. Mujhe meri wife se baat karne do. Tum vakil aur Sami bhai ko phone karna. इसके पीछे जरूर सोनी का हाथ है, तुम फिक्र मत करो। पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो जैसे जैसे जान बची, पता नहीं क्या क्या करके आ रहे थे। हाँ नहीं तो बेटे कैसी हो तुम? बिटिया को कुछ दिया क्या? बहन तुम बैठो, कोई बात नहीं। बेटी ये सैंडविच है, तुम जाकर खाओ इसे। बेटी खा लो। हम लोग सुबह से भूखे हैं, लेकिन तुम्हारी ले लाए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चुप करना मुराद। क्या होटों की लाली चुरा लूं क्या? आटो ना। अरे ये क्या, तेरा भी दिमाग खराब हो गया भूख से? आगे क्या होगा ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम दिमाग मत खराब करना, आगे क्या होगा देख लेंगे हम लोग। वैसे भी इस नमूने को केस के बारे में पता क्या है? ये क्या बोल रहे हो, केस के बारे नहीं बोल रहा था मैं। फिर क्या बोल रहे थे? वहाँ घर में दाल चावल कुछ भी नहीं है। अरे बिटिया चावल मिलेगा थोड़ा बहुत। इज्जत की धज्जा मत उड़ा नमूने। अरे लालू मैंने तुमसे कई बार बोला कि नमूना मत बोल मुझे। मोहन ने क्या कहा जो तू आग बबूला हो रहा है? नहीं हाँ। उसने मुझे नमूना जो बोला हाँ। अगर नमूने के बदले मुन्ना बोला होता खुश होता मैं। एडवोकेट को जरा फोन करना, सुना है कि वो तुम्हारे ससुर के फ्रेंड है। फोन करती हूँ। पैसे लिए बिना कोई वकील काम नहीं करेगा, तो फिर जेल में ही सरना पड़ेगा। कम से कम समय पर जेल में भोजन तो मिलेगा। वैसे भी ये वकील क्या खाक करेगा, है ना वैसी? अरे मुंह बंद कर, वो बेचारी पहले से ही दुखी है, तुम उसे और दुखी कर रहे हो। अरे जरा बेटी से बात करने। चुपचाप शराफत से बाहर चला रहा मेरे साथ, मार मार के कतूमर निकाल दूंगा। चलता हूँ। अरे मुंह बंद कर, बोलना मत, चुप कर बे। दीदी हाँ? उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई क्या? बहुत लोगों से कर्ज लिया है ना, चेक बाउंस केस है क्या? दीदी मालिक ने हमसे कहा है कि आपको कोई चीज उधार में ना दे, और उनकी बात को हम ठुकरा नहीं सकते। हे नासिर, इन्हें जो चाहिए दे दो, मेरे खाते में लिख लेना तुम। आज मुझे
सुबह होते ही शुरू कर दिया। तो जानू मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर तुझे बदनाम। एक बूंद भी नहीं है, अब क्या होगा भगवान। हाँ पैदा किया तो इसके लिए भी कोई रास्ता दिखाएगा, देखते हैं। बेशक मोहन, रास्ता तुम्हें जरूर दिखाएंगे वो। देख भगवान के एक झटके में सारा नशा हिरण हो जाएगा। नौकरी किए बगैर अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, कब तक दूसरों की भीख पर जीते रहेंगे। सिर्फ खाना ही नहीं, फ्लैट का किराया, करंट, पानी, सबका बिल भरना है। ओफो वो बात नहीं, पहले से ही बहुत पैसे ले चुके हैं इसीलिए बोल रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए जीने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किसी आईटी कंपनी में मुझे नौकरी तो नहीं मिलने वाली, वैसे किसी आया का काम या झाड़ू पोंछा करने का काम, और फिर इस देश का ड्राइविंग लाइसेंस भी है मेरे पास, किसी भी तरह कुछ करो ना मेरे लिए। किशोर भैया कोई आया है, मैं अभी आती हूँ। कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, ले लीजिए ना। नहीं यहाँ सब कुछ है। देखिए ये मैं आपके लिए खरीद के लाया हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा राशन ही है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं कुत्ता हूँ, रखवाली कर रहा हूँ, यही है मेरी नौकरी, यजमान के आदेश पर भौंकना। मुझे गलत मत समझना, मैंने अगर तुम्हें ठेस पहुँचाई है तो मुझे अपना भाई समझ कर तुम माफ कर देना। कुछ भी चाहिए तो मुझे एक फोन कर देना। कल्याणी और मीनू के कागजात क्लियर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। सारा इंतजाम करने के बाद मैं फोन करता हूँ, और फिर आने वाले फ्राइडे सनल से मिलने का परमिशन भी मैं तुम्हें जरूर दिला दूंगा। और हाँ मैं उनसे डिटेल में बातें कर लूंगा, और इसमें जहां निशान लगाया वहां साइन कर देना तुम। हाँ। मीनू बेटी घर में अकेली है क्या? नहीं, उसे पड़ोस के घर में छोड़कर आई हूँ। ओह अच्छा, ओके। ओहो तुम्हें यहाँ किसने बुलाया अभी? तुम्हारी आंखों ने मुझे बेकरार कर दिया। कल्याणी की बेटी यहीं है अभी। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं अभी आ जाएगी। कहा था ओ गॉड कल्याणी होगी। ओ नो कल्याणी है। शिट अब क्या करें हम, मैंने तुम्हें तभी कहा था। मीनू बिटिया वहां सो रही है, वो जरूर उसे लेने के लिए आएगी, मैंने कहा था ना। अंदर जाऊं क्या? तो वहां भी आएगी ना, वो भी सती सावित्री नहीं है, उसका टांका बिड़ा है एक बिजनेसमैन से। कौन है वो? मैंने कई बार देखा है, वो बार बार यहाँ आते हैं। तुम्हें पता है उन दोनों की साजिश से ही सनल को पुलिस पकड़ के ले गई, मैंने उन्हें फोन करते हुए देखा है। खतरनाक औरत है। ओह गॉड मैं उसी आदमी का जिक्र कर रही थी